हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से ही. सो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी और सुधारक है. ठीक है, तो यहाँ पे द हिंदू जो है वो हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर का. तो सुब्रमण्यम अय्यर. देन कम्स केसरी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, तो बीजी तिलक हो जाएंगे. बंगाली जो था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था. ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली हो जाएगा. हिंदुस्तानी हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा. और सुधारक जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है. तो इसमें बंगाली जो है वो लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बंगबासी जो है वो लिखा है जोगेंद्र नाथ बोस ने, वंदे मातरम लिखा है अरविंद घोष ने, और अमृत बाजार पत्रिका जो है वो है मोतीलाल घोष की. तो ये न्यूज़पेपर है और ये इनके पब्लिशर हैं. ठीक है, ये पब्लिशर हो जाएंगे. तो यहाँ पे बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका. अभी यहाँ पे ये पब्लिशर के नाम दिए हुए हैं, ये स्टार्ट किसने किया था, या फिर इसके कह सकते हैं कि जो राइटर थे, कंपोजर जो थे स्टार्टिंग वाले, वो कौन थे, ये आपको पता लगाना है. ठीक है, तो ये आपका टास्क हो जाएगा कि वंदे मातरम किसने स्टार्ट किया था और अमृत बाजार पत्रिका किसने स्टार्ट किया था. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि शिशिर कुमार घोष जो थे उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका शुरू किया था. पब्लिशर मोतीलाल घोष थे, बट इसके जो राइटर थे, जो कंटेंट देते थे, वो थे शिशिर कुमार घोष. तो यहाँ पे ये इस तरह का हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको बताना वंदे मातरम के कौन थे, बंगवासी अगर देख सकते हैं और बंगाली देख सकते हैं. तो ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है. न्यूज़पेपर दिए हुए हैं और एडिटर दिए हुए हैं. काल बंगाली, सुधारक सोम प्रकाश. ठीक है, तो काल जो है ये है शिवराम माधव परंजपे. तो ए का हो जाएगा फोर, ए का हो जाएगा फोर. बंगाली जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ठीक है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सी का हो जाएगा टू. और सोम प्रकाश द्वारका नाथ. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं, जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल्स, कॉमनवील, लीडर, सर्च लाइट, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालविया, फिरोज शाह मेहता, सचिदानंद सिन्हा. तो यहाँ पे कॉमनवील जो है वो है एनी बेसेंट का. तो बी का हो जाएगा वन. यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा सी. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं. बॉम्बे क्रॉनिकल्स जो है वो है फिरोज शाह मेहता का, लीडर जो है वो है मदन मोहन मालविया का, सर्च लाइट जो है वो है सचिदानंद सिन्हा का. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो ये आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन न्यूज़पेपर दिया हुआ है और पब्लिशर का नाम दिया हुआ है. तो लीडर जो है वो हो जाएगा मदन मोहन मालविया का. तो ये हो जाएगा ए का वन. बॉम्बे क्रॉनिकल्स जो है वो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता का. इंडिपेंडेंट जो है ये मोतीलाल नेहरू का है. और जस्टिस टी एम नायर, जस्टिस टी एम नायर का है. ठीक है, तो यहाँ पे नया नाम हमें मिला, जस्टिस टी एम नायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी. बॉम्बे क्रॉनिकल्स, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया. न्यू इंडिया, तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे इन्होंने लिखा था अल हिलाल. तो ए का हो जाएगा टू. फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल्स, एनी बेसेंट ने लिखा था न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था. ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट और महात्मा गांधी यंग इंडिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ न्यूज़पेपर दिए हुए हैं और फाउंडर दिए हुए हैं. अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दिस इज़ करेक्ट. न्यू इंडिया एनी बेसेंट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. तहजीब उल अखलाल मोहम्मद अली जिन्ना, दिस इज़ रॉन्ग. ये गलत दिया हुआ है क्योंकि बाकी सारे करेक्ट हैं. ये लिखा था सर सैयद अहमद खान ने उर्दू लैंग्वेज में 1871 और 1897 के बीच में, ठीक है. और सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने ही AMU को इस्टेब्लिश किया था और इसको फिर से रीस्टार्ट किया था सैयद हामिद ने, और उसके बाद से ये अभी पब्लिश होता रहता है रेगुलरली. तो अभी भी ये तहजीब उल अखलाक जो है जर्नल, ये आज भी पब्लिश होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम अमंग दीज कॉम्बिनेशन. तो इसमें भी हमें इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर किससे कौन स्टार्ट नहीं किया था, इनकरेक्ट बताना है. मौलाना आज़ाद अल हिलाल, दिस इज़ करेक्ट. तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पाइनियर, दिस इज़ रॉन्ग. द पाइनियर जो था वो जॉर्ज एलन नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था, और इंडियन ओपिनियन हुआ, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये महात्मा गांधी ने शुरू किए थे. नौ कौमी आवाज़ किसने शुरू किया था, तो कौमी आवाज़ जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कौमी आवाज़ यूजुअली हम लोग कंसीडर करेंगे इसको कि किसी मुस्लिम ने किया है, बट जवाहरलाल नेहरू ने किया है. और रफ़ी अहमद किदवई के साथ मिलके इन्होंने 1945 में लखनऊ से ये शुरू किया था. लेटर ऑन 1997 में इसका पब्लिकेशन जो था वो रोक दिया गया था. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नवजीवन M.K. गांधी, दिस इज करेक्ट. स्वराज्य T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, तो दिस इज रॉन्ग. कौमी आवाज़ जो थे वो जे एल नेहरू. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हमें बताना है. महात्मा गांधी मूक नायक जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है. तिलक यंग इंडिया, दिस इज रॉन्ग. एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, दिस इज करेक्ट. V.R. अंबेडकर केसरी, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो मूक नायक जो था ये अंबेडकर ने लिखा है, केसरी जो है वो तिलक ने लिखा है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है, और कॉमन वील जो है वो एनी बेसेंट ने लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, मूक नायक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड. तो B.R. अंबेडकर इंडिपेंडेंट, दिस इज रॉन्ग. इंडिपेंडेंट जो थी वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा है, मोतीलाल नेहरू. तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नरोजी, रस्त गुफ्तार, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. एनी बेसेंट यंग इंडिया, दिस इज रॉन्ग. महात्मा गांधी न्यू इंडिया, दिस इज रॉन्ग. ये ऑपोजिट है. तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हो जाएगा वो मराठा नहीं है. ठीक है, ये भी तिलक की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का C. यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है.